के विरल अबेरा वाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का मिड कैप के महारथी। विरला, थैंक यू सो मच इटीना और स्वदेश को समय देने के लिए। तो आज से लेकर अगर बजट को ध्यान में रखें, उस लिहाज से कौन सा स्टॉक है, कौन सा सेक्टर है जो कि आपको पसंद आ रहा है, इन स्तरों पर आप खरीदारी करने की सलाह देंगे? हाँ, तो पहला स्टॉक जो रहेगा वो फाइनेंशियल सेक्टर से रहेगा, वो है IDFC लिमिटेड। 83 रुपए का स्टॉक है। आप जब IDFC लिमिटेड लेते हो तो आपको जो अंडरलाइंग शेयर मिलते हैं लगभग 1.5 शेयर या 1.4 शेयर मिलते हैं IDFC बैंक के, और प्लस वो अपना म्यूचुअल फंड बेच चुके हैं तो जिससे 4,000 करोड़ कैश भी मिलता है। तो इससे तो वैल्यूएशन कम्फर्ट आ गया कि आप सिर्फ कैश और IDFC लिमिटेड का ऐड कर दीजिए तो तकरीबन वैल्यू 110-120 की आती है। दूसरा, बैंक इटसेल्फ बहुत अच्छा कर रहा है। ये बैंक ने अच्छी तरह ट्रांजिशन कर लिया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन होता था, अब वो रिटेल फोकस्ड बैंक है। लगभग 3/4 बुक अभी रिटेल बुक हो गई है और रिटेल भी लगभग 5 साल में 5 गुना बढ़ चुका है। और उनका जो बोरोइंग्स है वो भी पहले काफी कॉर्पोरेट बोरोइंग्स था, होलसेल बोरोइंग्स था, अभी पूरा रिटेलाइज हो गया है। जो कासा है लगभग 70% से बढ़ रहा है। तो आगे 3 साल में हमको लगता है कि ये स्टॉक लगभग 20-25% पे ये ग्रो करेगा। और क्रेडिट कॉस्ट सारे सेक्टर के ही कम है और IDFC के भी काफी कम है। इनका एक इश्यू पास्ट में ये रहा कि रिटर्न रेशियोज काफी खराब थे, लेकिन क्योंकि अभी स्टेबल हो गया और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, अगले 2 साल में इसका रिटर्न रेशियो भी बाकी जो निजी सेक्टर की बैंक से उनके जितना लगभग 14-15% आसपास हो जाएगा। तो पहला स्टॉक रहेगा IDFC लिमिटेड। और जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो है ऑलसेक। तो ऑलसेक लगभग 20 साल से एग्जिस्टेंस में है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। BPO स्पेस में थी ओरिजिनली कंपनी, अभी HRO स्पेस में भी है और कुछ साल पहले क्वेस्ट कॉर्प ने खरीद ली। तो उसके बाद, उसके पहले जो कंपनी का ग्रोथ था सिंगल डिजिट होता था, 7-8% ही ग्रोथ होता था। पोस्ट मर्जर सारा फोकस ग्रोथ की तरफ हुआ है, उन्होंने काफी सारे नए क्लाइंट्स ऐड किए, सेल्स टीम बढ़ाई है और बहुत सारा खर्चा किया है उन्होंने टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन। उससे उन्होंने दो SaaS प्लेटफॉर्म बनाए हैं और वो जो प्लेटफॉर्म्स है अभी लाइव जा रहे हैं। ये बिजनेस काफी एन्यूटी बिजनेस है, तो नए नए क्लाइंट्स आते हैं बट जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उसमें भी जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है उसमें एम्प्लॉय बढ़ते हैं तो कंपनी की ग्रोथ होती रहती है। वैल्यूएशन अगेन इधर काफी अच्छे है, मतलब अगर आप FY24 बेसिस पे देखें तो 11-12 टाइम पे, मतलब ये सेक्टर में ये शायद सबसे कम वैल्यूएशन का स्टॉक है एंड कंपनी का जो ग्रोथ है सेक्टर में सबसे हाईएस्ट है, लगभग 20%। तो दो दमदार स्टॉक्स मिड कैप के महारथी IDFC लिमिटेड और अलसेक टेक्नोलॉजीज। 1 साल के यहाँ पर नजरिए से टारगेट 750 अलसेक में और IDFC में 120। विरल रुचित, आपका शुक्रिया।